हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड लगन स्पिंग टैक्स के क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट के बारे में जो है बात करेंगे, कैसे इनके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की जो है बात करते हैं। तो अगर FY21 के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस में जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बेसिकली। और यहाँ पे जो इनकी जो इनकम है उसमें अगर बात करी जाए तो एक अच्छा खासा जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें क्वार्टरली लेवल के हिसाब से तो ईयर ऑन ईयर भी अगर देखा जाए वहाँ पे भी जो है इनकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि कैसी जो है इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है कैसी आई है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी देख सकते हैं तो पिछले साल FY21 के अंदर इन्होंने जो है करीब करीब 958 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट अर्न किया था, और जो इस बार जो रहता हुआ दिखाया वो है करीब 759 करोड़ के आसपास का। तो प्रॉफिट में भी देख सकते हैं डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली के हिसाब से अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में अच्छा जंप है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट जो है डाउन ही जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स जो होती हुई दिखी है प्रॉफिट में और इनकम के अंदर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लेम्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आते हुए दिखे हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम्स आती हुई दिखी हैं। आने वाले टाइम में जो है ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी और कहीं ना कहीं जो है ये कंपनी दोबारा से एक अच्छी जो है अपनी पटरी पर आती हुई दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर सेगमेंट वाइज अगर देखेंगे जो सेगमेंट है इनके, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुछ सेगमेंट में एक अच्छे खासे जो क्लेम्स जो आते हुए दिखे हैं उसकी कहीं ना कहीं जो है इन पर मार पड़ती हुई दिखी है। चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे कैसा जो है चार्ट पैटर्न इसका बना हुआ है, तो देख सकते हैं एक अप डाउन का जो है चार्ट पैटर्न इसका बना हुआ है। हालांकि इसने जो है हाई लगाया है, और हाई ये हाई लगाया है सबसे पहला, फिर ये सेकेंड हाई ये लगा है, और फिर थर्ड हाई जो है इसने ये लगाया है। अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद में स्टॉक के अंदर दोबारा से जो अपसाइड बनना इसके अंदर जो है स्टार्ट हुई है। 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल के जो है सपोर्ट लेता है तो ज़्यादा बेटर है। अप्रैल वाली कैंडल ही अगर ये काम कर देती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर अप्रैल वाली कैंडल अगर ये काम नहीं कर पाई और मई में अगर जाना पड़ा तो उतना ज़्यादा जो है पुख्ता काम नहीं हुआ। क्योंकि ये वाली जो कैंडल है आप देख रहे हैं फरवरी वाली कैंडल, मार्च वाली कैंडल कोई ज़्यादा अपसाइड में नहीं आ पाई है इसके अगेंस्ट में, लेकिन अप्रैल वाली कैंडल को पॉसिबिलिटी है कि ये 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर जो है निकल के कहीं ना कहीं सपोर्ट ले। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल जो है बाइंग करी जानी चाहिए। फिर कोई प्रॉब्लम जो है नहीं दिख रही है चार्ट के अंदर, क्योंकि नीचे एक अच्छा खासा जो है और सपोर्ट लेके जो है स्टॉक उठता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें लगनम स्पिंग टैक्स की, रिजल्ट बहुत ही अच्छे खासे इसके जो है आते हुए दिख रहे हैं, और इनकम के हिसाब से देखा जाए तो FY21 के हिसाब से देखेंगे 205 करोड़ की जो है इनकम थी इनकी, और FY21 के अंदर 248 करोड़ के 249 करोड़ के आसपास की जो है इनकम आती हुई दिखी है। प्रॉफिट भी मल्टीफोल्ड जो है ये कंपनी जो है करती हुई दिखी है, 4 करोड़ के सामने जो 28 करोड़ का प्रॉफिट जो है ये करती हुई दिखी है। और बात करें क्वार्टरली लेवल पे तो ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस जो है अच्छी खासी ही आती हुई दिखी है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी जो है आगे भी जो है अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी, क्योंकि सेक्टर के अंदर जो है चाल एक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है वैसे ही अच्छा खासा जो है चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर बात करें कि आगे कैसी जो है इसकी चाल रह सकती है स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखते हुए जो है बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है चार्ट अभी जो है अवेलेबल है, और इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने जो है ये जो नीचे जो लो इसमें देखने को मिल रहा है वो करीब 47 का, और उसके हिसाब से देख सकते हैं हाई जो इसने जो लगाया वो करीब 111 रुपये के आसपास। दोबारा से देख सकते हैं डाउनफॉल अच्छा खासा आने के बावजूद भी जो है स्टॉक में दोबारा से अभी भी देख सकते हैं अपना जो है और पॉजिटिव ट्रेंड को जो है रिटेन किए हुए हैं। और यहाँ पे ये वीकली कैंडल आप जो है देख रहे हैं, कहीं कोई वैसे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। 50% की रेजिस्टेंस का सपोर्ट बिल्कुल जो है काम कर रहा है, और ये सपोर्ट जो है लेवल आ रहा है करीब 80 रुपये के आसपास। 80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल जो स्टॉक के अंदर जो है बने रहना चाहिए,
आने वाला साल भी पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी जो है अच्छा खासा काम करते हुए देखे। मेरे हिसाब से 80 को जब तक ब्रेक नहीं करता है, जब तक कहीं भी कोई स्टॉक के अंदर जो है चार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। दोनों स्टॉक्स के बारे में अगर बात करी जाए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल को होल्ड किया जा सकता है प्रायोरिटी पे अगर रख के। सेकंड नंबर पे अगर इसको बाई करना है तो आप 50% के रेजिस्टेंस के ऊपर ही जो है बाई करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेल करने की भी हालांकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, अवॉइड जरूर जो है इसको करा जा सकता है। थोड़े बहुत समय के लिए इसको अगर अवॉइड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लग्नम स्पिन टैक्स की बात करें तो बाई किया जा सकता है, होल्ड भी किया जा सकता है, और सेल करने की जरूरत नहीं है जब तक वो जो है अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके जो है उसके नीचे जब तक परफॉर्म ना करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।